आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बारिश के आसार। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत, पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। अरुणाचल के सांसद तापिर गांव का वादा, चीन के लिए पीएल ने 17 साल के भारतीय किशोर को किया अगवा। बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट, आगरा के क्षेत्र में बदले 2 उम्मीदवार। हिमाचल में बेकाबू कोरोना, 2 सप्ताह में 50,000 होगी मरीजों की संख्या, बढ़ सकती है बंदिशें। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर चंदौली से है, जहां 7 मार्च को अंतिम चरण में जनपद चंदौली में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन कमर कस चुका है। लगातार जिले में भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सीओ के नेतृत्व में पुलिस फोर्स व सीआरपीएफ के जवानों के साथ आसपास संवेदनशील एरिया में भ्रमण किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व सीओ के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और निर्भीक होकर मतदान करें, किसी के बहकावे में ना आए और जिस भी व्यक्ति द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चंदौली में और जिसमें चकिया 383 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 7वें चरण में मतदान निर्धारित किए गए हैं। आज क्षेत्राधिकारी चकिया के साथ और थानाध्यक्ष चकिया के साथ एरिया डोमिनेशन मार्च किया जा रहा है और सीआरपीएफ की जो फोर्स हमें मिली है, इसका उद्देश्य यही है कि सभी बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें, किसी तरह के डर या किसी तरह की किसी के मन में कोई संशय ना हो, सभी लोग बाहर आएं और बिना किसी भय, बिना किसी डर के मतदान में अपना हिस्सा लें। और ऐसी कोई बात हो जिससे किसी के मन में कोई समस्या हो तो तत्काल पुलिस और प्रशासन को अवगत कराएं। पुलिस और प्रशासन हमेशा उनकी सेवा में, उनके सहयोग। रायबरेली में आबकारी आयुक्त, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 के चलते प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आबकारी निरीक्षक व चौकी इंचार्ज अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान। नदी के किनारे सरपत के जंगल खेतों में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के घरों व आसपास के स्थानों पर दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान लगभग 95 मीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा लगभग 800 किलोग्राम महुआ लहन मौके पर नष्ट किया गया। दो अवैध शराब की भट्टी को तोड़ा गया। 4 अभियोग आबकारी अधिनियम का सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में क्षेत्रीय लोगों को नकली सस्ती मदरा से दूर रहने व उक्त के सेवन से जन स्वास्थ्य को होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया गया। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के मेन चौराहे पर सड़क पार कर रहे टेम्पो में कार से टक्कर मार दी, वाहन क्षतिग्रस्त हो गई। मेन चौराहे पर राहगीरों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों के चालकों को शांत कराया। फिलहाल किसी वाहन स्वामी द्वारा पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के नसीराबाद थाना क्षेत्र के गांव में ही रहने वाला 14 साल का युवक जब ट्रैक्टर के लगे चारा काटने वाली मशीन के चपेट में आ गया। युवक की हालत इतनी गंभीर हो गई, मौके की सूचना पर पहुंचे परिजन, जहां युवक को लोगों की मदद से सीएचसी ले जाया गया, जहां इसका इलाज किया जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर आरएस पटेल ने बताया कि युवक की हालत काफी गंभीर है, जिसे इलाज हेतु भर्ती किया गया है और जिसका इलाज चल रहा है। मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के रानीपुर थाना के अंतर्गत
पलिया गांव में पति ने पत्नी को पारिवारिक विवाद के चलते कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और आगे की जांच में जुट गई है। सोई के आई लिया कपड़ा कचारत रलिया आई ला दो तीन झापड़ मशीनिया पर मरला भागल लिया अब फरुआ उठा के ओके काट दिला सर। अच्छा, जो मरी है वो यहाँ की लड़की है? हाँ, यहाँ का लड़की है। अच्छा अच्छा, तो उनके पति आए थे क्या यहाँ पे? आज वे आई ला यार क्यों देखो ना आई ला ना आई ला आई ला अपन कचारत लिया कपड़ा अब वही जब मारे लगा ला भागा ला सिया बस सड़किया पर आके गिर गया वही फरुआ उठा के। मतलब ये पहले से अपने मायके में रहती थी? हाँ, साल भर से ये कर धान दे रहा। और उनका जो पति है आज आया है? हाँ, सुबह में अब खिचड़िया के दिन में आई ला तो लड़किया लेके तीन साल कर ले चल गए दस सालों बीस सालों पचास सालों खाल सा मान ले सर पे सर अपना पहले हेजाइन मार ला। अच्छा, जब हेजाइन सुतो गला तब हेजाइन मार ला बस तो पता नहीं हेजाइन मार ला पाई मार ला परसन परसन मार ला ओकर बाद अब सब खत्म हो गए ले तब लंच लेते हैं। आप तो क्या मामला था? हमारी बड़ी मतलब की हमारे देवर का आपके देवर का क्या नाम है इनका? परमिल्ला। जिनका जो मतलब है वो इनका पति हो? सदिया इनके कहाँ भेल रहे? खाली स्कूल हलधरपुर थाना भेल ना। ये सुनील करत कर रहा है? सुनील के अब कुछ ना आने मजूरी जो करे वाला की कर रहा है ना उनकी आवाज हम आ जाते जब झगड़ा लोग लगना घर में करे जिन्हें भाग के आई लिया। अमेठी में बुधवार देर शाम बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर सड़क पर जा रही एक सीएनजी कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही गैस किट फट गई और कार आग का गोला बन गया। हादसे में कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद एक एक कर पांच लोगों को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पांचों लोगों को डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। खबर अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के ग्रामपुर नवलपुर से है, जहां पर 15 वर्ष के विकास कार्य न होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि हर रोज शिकायतों के बावजूद भी आज तक गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुई है। आलम यह है कि गांव में जलभराव भी समस्या से जूझ रहे हैं। हर रोज गाँव के लोग चोटिल होते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अपना फरीदाबाद गौ रक्षा दल से हूँ और गायों की देखरेख करता हूँ मैं सुबह शाम। दरअसल आज रोजाना की तरह हर मंगलवार को हम अपने पहाड़ियों में बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आते हैं जी। आज भी हम बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आ रहे थे तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा, तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा, तो हम उसके पीछे पीछे हो गए। आगे आगे भी बंदर काफ़ी होंगे, तो आगे जाके देखा तो हमने भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर कटा हुआ देखा। कुछ चार से पांच आदमी गोवंशों को काट रहे थे और हमें तुरंत देखकर वहाँ से भाग गए। जैसे ही हमने उनको बोला कि भाई इसको मत करो, हमें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। हमने आगे भी पता किया कि भाई ये गोवंश कैसे है, कहाँ पर है। हमें पता चला कि कुछ एमसीएफ से कोई पर्चा ले रखा है किसी ने, एमसीएफ वालों से हमारी बात हुई है। वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चिन्हित जगह नहीं है, पूरे फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं है एमसीएफ की तरफ से जहाँ पर गोवंशों को काटा जा सके। भी कटी हुई मिली है जी? हाँ, यहाँ पे 10 से 15 नील गाय हैं, बाकी सभी ही गाय हैं, गौ माता हैं और नील गाय हैं सभी हैं। तो क्या पुलिस को शिकायत दिया इस मामले में? हाँ जी, पुलिस को फोन किया, बार बार फोन किया हमने, तो लास्ट में जाके फिर हमने
हमारे गुरुजी हैं बाबा अशोक जी, उनको कॉल किया, वो हमारे साथ ही थे तो वो थोड़ा पीछे रह गए थे, तो उन्होंने फिर कॉल किया तो पुलिस आई है। कितने लोग हैं जो आपने पकड़ के पुलिस के हवाले किए थे सर? वो सब भाग चुके थे, चार से पाँच आदमी थे, बाकी और भी होंगे अंदर बहुत सारा माल भरा हुआ था बोरों में। तो हमने उसी टाइम पे बोला कि भाई ये सब कुछ है, उसकी हमने एक फोन में वीडियो भी बनाई हुई है। गोवंश की जो नशे हैं वो भी कहीं ना कहीं सुखाई जा रही है, बिल्कुल अलग से सुखाई जा रही है, अंदर चार जगह वीडियो सुखाई जा रही है, उसकी हमने एविडेंस के टाइम में उनकी वीडियो बनाई हुई है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे ये फरीदाबाद में जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो भी 5-स्टार होटलों में और वहाँ पे जो गोवंश का मांस जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है। हमारी तरफ से एरिया कोई भी अलॉट नहीं किया हुआ है इसको, इसको खुद ही अरेंजमेंट करना था ठेकेदार को कहाँ इनको लेके जाएगा। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही है एमसीएफ की तरफ से कि साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए डेड एनिमल्स का, फरीदाबाद हो या वहाँ कहीं हो, हाँ वो कहीं भी हो, वो उसका जगह का अरेंजमेंट उसी को करना है जी। अगर उसने किसी गलत जगह पे किया है जैसा कि आप बता रहे हैं पोल्यूशन उसने फैला दिया ये फॉरेस्ट एरिया में, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील करेगा, जो भी उसके खिलाफ एक्शन बनता है वो लोग लेंगे। हम टेंडर के अकॉर्डिंग जो बनता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेंगे। नहीं है व्यवस्था, मेरी बात हुई है वहाँ पे जो टीम गई है मौके पे, अव्यवस्था वाली कोई ऐसी कहानी नहीं है, ना कोई ऐसा इश्यू है, लेकिन हाँ वो मरे पशुओं की यहाँ खाल उतारते हैं, ये बिल्कुल सही है, और कर्जन के द्वारा ही। औरैया जिले के बिथुना के नवीन बस्ती स्थित एसजीएस इंटर कॉलेज प्रबंधक गौतम सिंह और उनकी पत्नी की अज्ञात बदमाशों द्वारा स्कूल में बने आवास के तीसरे मंजिल पर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या की जानकारी तब हुई जब सुबह स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक स्कूल में आए और गेट न खुलने पर आवाज दी, जब नहीं खुला तो आसपास वालों को सूचना दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने घटना का निरीक्षण किया। गंधर्वा सिंह यादव जी और उनकी वाइफ कमला देवी जो यहाँ रहती हैं, इनको आवाज़ लगाया जा रहा और दूध के लिए इनको नीचे चाबी फेंकी थी, तो ये रिस्पांस नहीं दे रही हैं। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे आई, जांच करी गई और पाया गया कि जो गंधर्वा सिंह यादव जी और इनकी जो वाइफ कमला देवी जी, ये मृत अवस्था में अपने कमरे में ऊपर पाए गए। मैं जो सामान फैला हुआ था उसको देख करके रखता कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया है चोरी के प्रयास से घर में घुसा है, और चोरी के प्रयास से घुसने के बाद उन्होंने घर में चोरी वगैरह करी है, और जिसमें जो लोग ये लोग पहचान गए थे, इसलिए शायद इनका गला घोट के इनको मार दिया गया। अभी तक प्रतीत हो रहा है कि ज़रूर कोई अंदर का व्यक्ति शामिल, जिस तरीके से घर की बनावट है इसमें अंदर का कोई व्यक्ति शामिल, हमारी विवेचना चल रही है। डेड बॉडी को हमने पीएम के लिए ले जाएंगे जिससे मौत का कारण स्पष्ट होगा और उसके बाद हम आपको क्लियर बता पाएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में युवाओं को भी अब धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश को लेकर कांग्रेस के समर्थन में उतरे आईएसएमई के मुखिया मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान से अयोध्या के संतों में नाराजगी। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मुस्लिम युवा को अगर अपने हाथों में ले लिया तो हिंदू को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है, वो तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस दास इस विवादित बयान पर दुख व्यक्त करते हुए मौलाना तौकीर रजा पर आरोप लगाया है कि अभी कुछ दिन पहले हिंदुओं को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था, मौलाना हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बेहद दुखद है कि मौलाना तौकीर रजा जो अभी कुछ ही दिन पहले भड़काऊ भाषण दे रहे थे, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते थे, और उनको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं, तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण रूप से वो है एक आतंकवादी संगठन बन चुकी है, देश विरोधियों को ही जो है वो जोड़ रही है। ये दुखद है, ये कांग्रेस के लिए भी महंगा पड़ेगा। ऐसे ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है और जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जो दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, ऐसे एक तरफ तो बताती है कि हम हिमायती हैं और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि अभी कुछ दिन ही पहले, अभी बहुत दिन भी नहीं हुआ होगा, और कुछ दिन पहले रजा साहब ने इतना हिंदुत्व के प्रति और हिंदू विचारधारा और सनातन के प्रति इतना अपवाद विवादित बयान दिया था, और आज उसको उसने अपनी सदस्यता शामिल कर ली और उसको उत्तर प्रदेश में सरकार में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार है, सीट भी देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आ गया है।
और जिस तरह से हिंदुत्व के साथ और हिंदुत्व विचारधारा के साथ उसने दोहरा चरित्र दिखाने का काम कर रही है कांग्रेस, ये किसी से छुपा नहीं है, कोई आज का काम नहीं है। कांग्रेस सदैव हिंदुत्व विचारधारा से सदैव विमुख रही है और हिंदुत्व जो भी हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करे, हिंदुत्व के हिंदुओं के साथ दुराभाव करे, अत्याचार करे, उसको कांग्रेस सदैव अपने शरण में लेने का काम किया है, कोई आज का नया काम नहीं है, पूर्व से ही। खबर चंदौली जनपद से है जहां पर मछली के विवाद में युवक ने एक युवक को चाकू मार दिया, जिससे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि सकल डीहा के इटावा गांव का रहने वाला रमेश सोनकर की मछली की दुकान है। दुकान पर रमेश सोनकर का 17 वर्षीय पुत्र सोनू सोनकर मछली बेच रहा था, तभी मछली के दुकान वालों ने आकर मछली बेचने के किसी बात को लेकर विवाद हो गया, फिर युवक ने सोनू सोनकर को चाकू मार दिया। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़का का छुरा मार दिया, हमारे छुरा मार दिया। कौन मार दिया? बंटी और टाइगर। किस बात पर? मछली की विवाद में। मछली वाला वो हमको 20 किलो देता है, दो चार दिन में लगला, दो चार पाँच किलो देव हमारे कलेजा मछली वाले तुमसे ना लूंगा। तो अपन ना दिला सा ओके मन के फिर बोला के दिला सा 20 किलो मछली आके लगा गाड़ी देवा, छुरा निकाल के धमकावा, मार दिला सा लड़का को। अच्छा, छुरा लगा है बेटे को आपके पेट में, तो इसके बारे में आपने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, एकदम तैयार हुआ है वहाँ। अच्छा, लड़का थाने पर आया, वहाँ से अस्पताल में गया। पेशेंट स्टेबल है, उसको जो है डीप पेनिट्रेटेड स्टैब वुंड हुआ था जी, जिसकी वजह से उसके पीछे जो है बैक साइड में स्पाइन के ऊपर शार्प कटिंग वेपन से इंजरी हुआ है, लेकिन पेशेंट स्टेबल है और उसको हम लोग यहाँ। आपने देखी कुछ खास खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।